हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विज फॉर लाइफ। आज हम आपको दिखाएंगे डॉक्टर ट्रस्ट यूएसए का वेइंग स्केल। फ्रेंड्स, ये डॉक्टर ट्रस्ट का वेबसाइट से मंगाया था हमने। इसका नाम है डॉक्टर ट्रस्ट यूएसए एग्जीक्यूटिव रिचार्जेबल डिजिटल वेइंग स्केल 502। ओके, पे फॉर वेइंग स्केल। इसका प्राइस यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्लियरली लिखा है 1099 टोटल। तो इतने पे हमने इसको ऑर्डर किया हुआ है। चलो हम आपको ये खोल कर दिखाते हैं। तो ये रही कैची। पैकिंग बहुत स्ट्रॉन्ग कर रखी है फ्रेंड्स। ये ऐसे आया था पैकिंग, यही कलर की पैकेट था इसका। डॉक्टर ट्रस्ट का सील लगा के दिया हमने यहाँ पे। तो ये हमने ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद ये देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर किस तरीके से है ये पैकिंग। इसको ओपन करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इधर की। सबसे पहले इन्होंने इनवॉइस दिया हुआ है। तो ये इनवॉइस में सेम वही चीज़ लिखा हुआ है। सो फ्रेंड्स, ये डॉक्टर ट्रस्ट यूएसए एग्जीक्यूटिव रिचार्जेबल डिजिटल वेइंग स्केल है और 502 का स्पेसिफिकेशन है। और ये हमने उनके प्रॉपर वेबसाइट से मंगाया हुआ है। ठीक है, तो ये इसका बिल है, इसको साइड रख देते हैं। और ये रहा प्रोडक्ट, इसको मैं साइड रख देता हूँ। इसमें कुछ नंबर दिया हुआ है, पता नहीं क्या चीज़ है फ्रेंड्स, इसको साइड रख देते हैं। सो ये रहा फ्रेंड्स पूरा प्रोडक्ट, इसका आप व्यू देख सकते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे, कैपेसिटी 180 kg। मतलब ये जो वेइंग स्केल है, ये 180 kg इसका लिमिट है, कैपेसिटी है। ओके, और यूनिट्स बोला केजी में भी कर सकते हैं, पाउंड्स में भी, और एसटी डिजिट प्रेसिशन है इसका। ओके, सो आप देख सकते हैं डॉक्टर ट्रस्ट एग्जीक्यूटिव 502 पर्सनल स्केल। ओके, सो क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, फीचर्स देखो। बॉडी वेट, यूनिट ऑफ चॉइस, ऑटो पावर ऑफ, मतलब ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है जब हम लोग वजन नाप लेते हैं। उसके बाद जब रीडिंग चेक करते हैं उसके बाद अपने आप बंद हो जाएगा। ओवरलोड अलर्ट्स भी आते हैं इसमें, अगर ज़्यादा भारी है तो उसके अलर्ट्स भी आएंगे। लाइट वेट है ये, ओके, ऑब्वियसली लाइट वेट है। फिर ब्लू बैक लाइट है इसमें, जो बैकग्राउंड आती है डिस्प्ले में, ब्लू बैक लाइट है ये। टेम्परेचर डिस्प्ले है, ये रहा आपका टेम्परेचर डिस्प्ले, यहाँ साइड में लिखा हुआ है। ओके, तो इसको मैं आपको खोल कर दिखाऊंगा और इसके बारे में देख लेते हैं और क्या क्या डिटेल्स हैं इसके बैक साइड में। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये उसका स्पेसिफिकेशन है, ये इस तरह का व्यू है इसका। इसके बारे में और उसके वेबसाइट्स और इसके कुछ जो भी मार्केटिंग में करने वाले हैं यहाँ पे, उसका एड्रेस दिया हुआ है, मुंबई महाराष्ट्र का है ये। और ये इंडिया में मार्केटिंग यहाँ के थ्रू होता है। सो इसकी वेबसाइट दे रखी है, कुछ QR कोड दिया है। सो QR कोड इसको अगर आप स्कैन करोगे अपने फ़ोन से, तो स्कैन करने से एक डेमो खुलेगा। वो डेमो में भी बताया रहता है कि आपको इस प्रोडक्ट के बारे में और ज़्यादा डिटेल्स दे सकते हैं। फिर यहाँ पे देखो एंटी स्किप डिज़ाइन है इसमें, ओके, फिसलने का डर नहीं है इसमें। लो बैटरी इंडिकेटर भी, अगर बैटरी लो हो जाएगी तो वो बताएगा। इसमें ऑटो ज़ीरो ऑफ फीचर है, वो क्या चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ थोड़ी देर में। अगर ओवरलोड होता है तो वहाँ पे ये इस तरह का इंडिकेशन रहता है, ERR, दैट इज़ ए ओवरलोड इंडिकेटर। और स्टेप ऑन द टेक्नोलॉजी, यहाँ पे जो ये जो वेइंग स्केल है इसके ऊपर ऑब्वियसली स्टेप करना पड़ता है, वो उसके बारे में बताया। 6mm टेम्पर्ड ग्लास प्लेटफॉर्म, इसमें टेम्पर्ड ग्लास लगा हुआ है, 6mm का है वो। सेफ्टी और कंफर्ट भी है इसमें। और लास्ट डिस्प्ले एंड एक्यूरेट रीडिंग, इसका डिस्प्ले जो है इसका थोड़ा सा बड़ा हुआ है फ्रेंड्स। और भी मॉडल्स थे डॉक्टर ट्रस्ट के वेइंग स्केल के, बट इसका डिस्प्ले थोड़ा बड़ा था इसलिए हमने ये ऑर्डर किया। नेक्स्ट, हाई प्रिसिशन एक्यूप्रेशर गेज सेंसर, इसमें हाई प्रिसिशन वाला सेंसर लगा है, बहुत ही एक्यूरेट वाला। और इसके बारे में, इसका टोटल वजन है इस डिवाइस का, नेट वेट जो एक्चुअल डिवाइस का वजन है जो हम यूज़ करेंगे उसका है 1.37 kg। ओके, ग्रॉस वेट पूरा मिलाकर ये डब्बे के साथ 1.57 kg है। मंथ एंड ईयर ऑफ इम्पोर्ट इस April 2021। और MRP इसकी लिख रखी है 3200। ओके, बट ये हमें मिल रखा है 1099 रुपीज़ में डिस्काउंट के बाद। चलो मैं आपको खोल के दिखाता हूँ कैसा दिखता है। तो ये रहा फ्रेंड्स, इसके ऊपर ये सेफ्टी के लिए दिया हुआ है। इस तरह से कटिंग थी इसमें, पूरा अच्छे से पैकिंग करके दे रखा है फ्रेंड्स, ताकि ये डैमेज ना हो प्रोडक्ट। नीचे एक और पैकिंग है, इसके साथ एक USB मिल रखी है फ्रेंड्स, ये नॉर्मल USB है। कितनी लंबी आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स, काफ़ी क्यूरियोसिटी होती है अक्सर किसी को कि कितना लंबा USB मिला हुआ है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये लगभग 1 meter के आसपास का है, ओके, 1 meter।
और इसको मैं साइड रख देता हूँ। और फ्रेंड्स ये यूएसबी क्यों दे रखी है, जैसे क्या होता है ये वेन स्केल है, ये रिचार्जेबल है, इसको हम लोग रिचार्ज कर सकते हैं। ये बैटरी वाला, ये बैटरी के अलावा डिटेल्स बताता हूँ फ्रेंड्स अभी आपको, कैसे चीज़ें इसमें क्या क्या है और बॉक्स के अंदर ये रहा। सो इसमें क्या लिखा था देखो फ्रेंड्स, गेट 6 months वारंटी फ्री फॉर फ्लिपकार्ट कस्टमर्स। ओके, हाउ टू गेट वारंटी एक्सटेंशन, एक्टिवेट विद इन 15 days। एक्सटेंशन करनी है वारंटी तो एक QR कोड दिया न्यूरेका का, 6 months की एक्सटेंशन कर सकते हो। सो ये सपोर्ट आवर्स भी दे रखे हैं, जैसे मंडे टू फ्राइडे वगैरह, ये QR कोड के थ्रू आएगा डिटेल्स स्कैन करने के बाद। हाउ टू लीव अ प्रोडक्ट रिव्यू, देना है तो आप इसको स्कैन करके इसके थ्रू दे सकते हो। और 6 months वारंटी फॉर अमेजन कस्टमर्स, और वो अमेजन कस्टमर्स के लिए, और ये उसके लिए ये रहा। ओके, सो ये फ्लिपकार्ट और अमेजन कस्टमर्स के लिए है। नाउ इसकी थोड़ी सी मैनुअल दे रखी है फ्रेंड्स, ज़्यादा बड़ी है नहीं, किसी को पढ़ना हो तो वो पढ़ सकता है। क्विक स्टार्ट गाइड, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 दे रखे हैं। ओके, कुछ सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस है, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन दिए हुए हैं इसमें, पैकेज कंटेंट क्या क्या मिलेगा इसमें, एक डिजिटल बाथरूम स्केल ये वाला, और यूज़र मैनुअल और स्टैंडर्ड माइक्रो USB, इन तीनों चीज़ें हमें मिल रखी है। और बस ये दिया हुआ है इसमें, सेफ्टी इन्फॉर्मेशन सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो। द ग्लास प्लेटफॉर्म कुड बी स्लिपरी व्हेन वेट, तो ये जब गीला होगा स्लिपरी हो सकता है। मेक श्योर द प्लेटफॉर्म इज ड्राई बिफोर यू आर स्टेपिंग ऑन इट फॉर मेजरमेंट, ठीक है। तो ये सूखा होना चाहिए जब आप इसके ऊपर पैर रखोगे। ओके, सो देखो, टू मेजर योर वेट्स सेफली एंड एक्यूरेटली प्लीज स्टैंड स्टिल ऑन द प्लेटफॉर्म अंटिल रिजल्ट इज कैलकुलेटेड। ओके, तो आपको इसके ऊपर खड़ा होना है, बराबर खड़ा होना है, और यहाँ वहाँ मूवमेंट नहीं करना, ज़्यादा स्टिल खड़ा रहना है, आपको हिलना नहीं है, चुपचाप खड़ा रहना है वहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे, डू नॉट स्ट्राइक और ड्रॉप द स्केल। ओके, इसको जोर से गिराना नहीं है, ठीक है, देख सकते हो फ्रेंड्स आप, ये ग्लास फिनिशिंग है पूरी, ये इसका वजन है इस पर, देखो इसके नीचे ये देखो वेट विस्टैंड करने के लिए किस तरीके के पास दे रखे, आप नज़दीक आकर देख सकते हो। ये कुछ रबर मटेरियल का है फ्रेंड्स, ये फाइबर का बना हुआ है, ये रबर का है, कुछ रबर और फाइबर मिक्स लग रहा है फ्रेंड्स। ये नीचे वाला बस छोटा सा जो ये लेयर है ये रबर का लग रहा है, और ये फाइबर फिनिशिंग है। ओके, और ये कुछ बटन प्रेस किया मैंने यहाँ पे, तो देखो ऑन हो गया है फ्रेंड्स ये, इसको मैं अभी ऑफ कर देता हूँ। अच्छा, ये ऑटोमेटिक ऑफ होता है थोड़ी देर बाद, ये उसके बाकी के बेसिस हैं फ्रेंड्स। सो जो लास्ट का नज़दीक से देख सकते हैं फ्रेंड्स आप, ये जो लास्ट का जो ये वाला ये रबर है, बाकी ये फाइबर का फिनिश लगा रखा है इस पर, बाकी ये ग्लास का जैसा लग रहा है फ्रेंड्स। और आगे के प्रिकॉशन देखते हैं, डू नॉट स्टैंड ऑन द एज ऑफ द स्केल और जंप ऑन इट, इसमें बिल्कुल भी जंप नहीं मारना, आप देख सकते हैं जैसे कि ये ग्लास का बना हुआ है तो बहुत सेंसिटिव मटेरियल है फ्रेंड्स ये, और इसमें ना ही जंप मारना है आपको, ना ही इसके कोने से खड़ा होना है, हमेशा बीच में रखना है पैर, ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसे मैं इसको बेस में एक फ्लैट प्लेटफॉर्म में रखना है इस तरीके से, और कोने में कभी नहीं करना आपको खड़ा, बीच में रखना है पैर हमेशा। नेक्स्ट, ऑलवेज प्लेस द स्केल ऑन अ हार्ड ड्राई एंड फ्लैट सरफेस बिफोर मेजरमेंट, जैसे कि हमने किसी टाइल के ऊपर, दो बेड में मत रखना क्योंकि वहाँ पे अनइवन सरफेस होगा फ्रेंड्स, तो जहाँ पे हार्ड सरफेस रहेगा ड्राई रहेगा वहाँ पे रखना है आपको, जिस तरीके से रखा हुआ है। डू नॉट यूज केमिकल और एब्रेसिव क्लीनिंग एजेंट्स टू क्लीन द स्केल, सो कोई भी केमिकल से इसको साफ नहीं करना है स्केल को, आगे या पीछे की तरफ। ओके, और कोई भी एब्रेसिव चीज़ें जो इसके में घिसाई कर सकते हैं जिसकी वजह से स्क्रैच पड़ जाए, वो चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी है। कीप द स्केल इन अ कूल एनवायरमेंट विद ड्राई एयर, तो इसको कूल एनवायरमेंट रखना है जहाँ पर ड्राई एयर रहे। ऑलवेज कीप द स्केल इन अ हॉरिजॉन्टल पोजिशन, डू नॉट स्टोर वर्टिकली, इसको वर्टिकली कभी नहीं रखना है ऐसे, इसको बोला हमेशा हॉरिजॉन्टल ही रखना है, तो ऑब्वियसली फ्रेंड्स हम ऐसे ही रखेंगे इसे। ऑलवेज कीप द स्केल अवे फ्रॉम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स, जैसे कि इसको किसी टीवी के सामने न रखना, किसी ट्रांसमीटर जो भी है हो सकता है उसके आसपास नहीं रखना, कहीं पे जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेट हो, चुंबक वगैरह, उसके आसपास नहीं रखना फ्रेंड्स ये। डू नॉट ओवरलोड द स्केल, 180 kg इसकी लिमिट है, उससे ज़्यादा नहीं रखना, इससे ज़्यादा वजन नहीं रखना इसके ऊपर, तो वो अंदाज़ा आपको पहले से होना चाहिए कितना वजन रखने जा रहे हो मेजर करने के लिए। बिफोर मेजरमेंट ऑलवेज रिमूव शूज एंड सॉक्स फॉर बेस्ट रिजल्ट्स एक्यूरेसी, सो अपने जूते और सॉक्स सारे उतार लें, चप्पल भी ना लें, बैर फुट आपको इसके ऊपर चढ़ना है और वेट करना है, पैर साफ होने चाहिए फ्रेंड्स आपके। डू नॉट स्टैक एनीथिंग ऑन द स्केल ड्यूरिंग नो यूज़, इसमें कुछ भी
जैसे हम लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि इसके ऊपर आप दो तीन सामान रख के इसको कहीं कबर्ड के अंदर रख दो, ऐसा नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। ओके, जैसे कि किताबें रख दी मैंने इसके ऊपर बेस लगा के और कबर्ड के अंदर, तो ऐसा नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, फिर से आप देख सकते हैं पूरा व्यू कितना अच्छा फिनिशिंग है, ग्लास का बना हुआ है सारा, ये फाइबर और रबर बेस है ये। और इसको मैं आपको चलाकर भी दिखाऊंगा थोड़ी देर में। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, गेटिंग स्टार्टेड क्लिक है, क्या ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे, नज़दीक आके देख सकते हैं। चार्ज योर स्केल बिफोर, मतलब इसको आप चार्जर के थ्रू यूज़ कर सकते हो। ओके, प्लीज स्टैंड ऑन द स्केल टू इनिशलाइज ऑटो कैलिब्रेशन। तो जब आप इसके ऊपर खड़े होंगे तभी इससे कैलिब्रेशन शुरू होगी, वजन नापना तब शुरू करेगा ये। टू स्टेप ऑफ द स्केल, मतलब आपको इधर से वजन इससे नीचे उतर जाना है और फिर आपको चेक करना है कि यहाँ पे 00 लिखा आ रहा है कि नहीं आ रहा है स्क्रीन पे। अपीयर ऑन द डिस्प्ले, तो 00 लिखाना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप 3, प्लीज स्टेप बैक ऑन द, अब वापस इसके ऊपर फिर से चढ़ जाना है। ओके, स्टेप बैक ऑन द स्केल अगेन टू वे योर सेल्फ। ओके, तो आपको पहली बार इसके ऊपर चढ़ना है तो यहाँ पे 00 लिखाएगा मीटर में, यानी कि रीसेट हो गया है वो। फिर नीचे उतर जाना है, तब देखना है 0 आ गए। उतरने के बाद अब वापस चढ़ना है फिर से, तब सेकेंड टाइम में आपको रीडिंग दिखाएगा। फाइनल वेट रीडिंग विल बी लॉग्ड आफ्टर ब्लिंकिंग 3 times। तो यहाँ पे जो भी इंडिकेशन आएगा वो 3 बार ब्लिंक करेगा और वो फिर वहाँ पे स्टेशनरी हो जाएगा, रुक जाएगा वहीं पे, यानी कि वो आपकी फाइनल रीडिंग है। चूजिंग वेट यूनिट्स, तो आप वेट की यूनिट्स भी चूज कर सकते हो, केजी में या फिर पाउंड्स में या फिर एसटी में, बाय प्रेसिंग द यूनिट बटन ऑन द स्केल। ओके, तो स्केल में यूनिट का बटन आएगा जब हम उसको ऑन कर लेंगे। कॉशन, स्लिपरी व्हेन वेट, जब ये गीला रहेगा या फिर आपके पैर गीले रहेंगे तो ये स्लिपरी हो सकता है, आप फिसल सकते हो, तो आपको बिल्कुल भी वेट नहीं रखना अपना पैर, तो ये फिसल सकता है, ध्यान रहे फ्रेंड्स। सो मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ ये। तो स्टार्ट करने के लिए पीछे एक बटन है फ्रेंड्स, ये रहा, इसको एक बार प्रेस करो, प्रेस कर दिया तो ये ऑन हो गया। आप जैसे ही देखोगे फ्रेंड्स इसको ऑन, तो आप देख सकते हो डिस्प्ले में यहाँ पर क्या दिखा रहा है अभी। ओके, सो अभी 0 हुआ है फ्रेंड्स, में कुछ लिखा रहा था, अब जैसे जैसे 0 हो गया और यहाँ पर आपका बैटरी का परसेंटेज दिखा रहा है। बहुत ही अच्छी बात है फ्रेंड्स, इसमें चार्जेबल बैटरीज है, इसमें आपको अलग से सेल्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, रिचार्जेबल है। तो इसमें आपका फ़ायदा ये है कि आपको बार बार सेल्स खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप बस एक बार चार्ज लगाओगे इसमें, बस हो गया। ओके, और अब ये ऑफ हो चुका है, ऑटो ऑफ होने का फीचर है इसमें, इसीलिए अब आप जैसे इसमें 00 दिखा रहा है, इसमें 26 डिग्री सेल्सियस, अभी हमारे रूम टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस है। सो फ्रेंड्स, अब मैं इसके ऊपर चढ़ता हूँ और अपना वेट चेक करता हूँ कितना है। सो आपको पहले एक बार चढ़ना है, फिर उतर जाना है, ये 0 हो जाएगा अभी। 0 होने के बाद अब चढ़ना है इसको ऊपर फ्रेंड्स, आपको चढ़ने के बाद थोड़ी देर खड़ा रहना है। मेरा 150 पाउंड्स वेट दिखा रहा है, सो दिस इज माय वेट 150.5 पाउंड्स। अब ये पाउंड्स में दिखा रहा है, इसको केजी में करना है तो पीछे का बटन ये है, यूनिट बटन बोलते हैं, इसको प्रेस करना है एक बार, देखो अब ये केजी में कन्वर्ट हो गया। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को ये डॉक्टर ट्रस्ट का वेइंग स्केल अच्छा लगा है। फिर से मिलेंगे हम अगले ब्लॉग में, टिल देन एंजॉय एंड बाय बाय।